नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत में सामने आया कोरोना वायरस का पहला मामला, चीन से केरल लौटे छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान मुंबई में गिरफ्तार, CAA पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। जामिया में CAA के विरोध मार्च में कानून समर्थक एक शख्स ने चलाई गोली, एक छात्र हुआ घायल। विवादित बयान के बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर लगी रोक। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग, आम आदमी पर शाहीन बाग के आंदोलन को समर्थन देने का लगाया आरोप। अगले महीने भारत आएंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को हराकर अपने 17वें ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम। तो ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए सुनते रहिए न्यूज कैचअप।